नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। हमीरपुर जिले के जलालपुर में बेतवा नदी के किनारे भगवान शंकर का हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। ये मंदिर हमीरपुर और जालौन जिले की सीमा के बीचों बीच बना हुआ है। इस मंदिर के पास 25 पोकलेन मशीनों द्वारा महीनों से हजारों ट्रक अवैध खनन हो चुका है, जिससे मंदिर धीरे धीरे टूटता जा रहा है। वहीं आज ग्राम प्रधान सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कहा कि मंदिर के पास से अवैध खनन को रोका जाए और साथ ही प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर मंदिर की तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं गया तो भगवान शंकर का ये मंदिर गिरने की स्थिति में आ सकता है। ग्रामीणों के कई बार प्रशासन और ठेकेदारों से मना करने के बावजूद भी अवैध खनन पर कोई रोक नहीं लग रही है। ग्राम प्रधान अरुण कुमार द्विवेदी उर्फ राजू महाराज जलालपुर ने बताया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर पोकलेन मशीन व अवैध खनन बंद नहीं होता है तो पूरी तरह से मंदिर तहस नहस हो जाएगा। इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। उन्होंने कहा कि अगर 3 दिनों के अंदर भारी मात्रा में लगी मशीनों को बंद नहीं किया गया तो ओवरलोड ट्रकों को रोकने का काम स्वयं गाँव के लोग करेंगे। हमारे गाँव के जलालपुर पक्का घाट में शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, 4-5 मंदिर है, जिसकी वजह से ये अवैध खनन चल रहा है। उसमें पोपलेन 15-20 मशीनें लगाकर अवैध खनन किया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रतिवर्ष इसकी कटान होते हुए मंदिर धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया। अगर 4-6-8 दिन प्रशासन नहीं सुन रहा तो ये पूरा मंदिर ध्वस्त हो जाएगा। समस्या है आपको? अरे बहुत समस्या है, ये मोहरम माफिया वगैरह ये सब मोहरम दिए जा रहे हैं यहाँ से। ये हमारा बहुत पुराना घाट है, बेतवा नदी में कहीं ऐसा घाट नहीं बना है। भोलेनाथ का बहुत पुराना मंदिर है, ये घाट धीरे धीरे टूट रहा है। मोरम बहुत गहराई से उठा रहे हैं, उस तरफ नज़दीक आ गए हैं बिल्कुल घाट के, और ये वहाँ से मोरम नीचे से ज़्यादा उठा रहे हैं तो ये मोरम सड़क गई है, हमारा सब घाट टूट गया। देखिए ये वहाँ प्रधान जलालपुर ने ज्ञापन दिया है कि नदी के घाट में जिला जालौन के पट्टेधारक खोद रहे हैं, खनन कर रहे हैं। अब इसके बारे में उन्होंने कहा है कि इससे मंदिर की मंदिर में दरारें पड़ गई हैं। इसके लिए मैं जिलाधिकारी को ये ज्ञापन भेज रहा हूँ, जिलाधिकारी महोदय का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाए। हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवीण कुमार।